नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। तो आज के एपिसोड में हम आपके लेकर आए हैं एक बहुत ही छोटी सी अपडेट दोस्तों। बात यह है कि अब YouTube अपने लिए एक TikTok का कॉम्पिटिटर लॉन्च करने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, YouTube अभी एक TikTok के कॉम्पिटिटर यानी कि अपने शॉर्टर फॉर्म ऑफ वर्जन YouTube शॉर्ट्स पे काम करने जा रहा है अभी, क्योंकि स्टोरीज का जो ऑप्शन था वो आ गया था कि जब आपके पास 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं उसके बाद आप अपनी स्टोरीज डाल सकते हैं। लेकिन द वर्ज की रिपोर्ट के मुताबिक YouTube अभी यहाँ पे TikTok से अपने चैलेंज को वापस लेने जा रहा है। इस इंफॉर्मेशन के अलावा जो सबसे मेजर बात यह है कि अभी जो चाइना में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद अभी एक रिसेंट वीडियो आया था जिसमें लोगों ने ये कहा गया था कि TikTok को बैन कर देना चाहिए बिकॉज इसमें बहुत सारे वो प्राइवेसी इशूज़ हैं। तो YouTube ने ये सोचा और मतलब कि वो गूगल ने भी ये सोचा, यही मौका है, हम अपना जो फैन बेस है उसको दोबारा रिकवर करने की कोशिश करते हैं। और इसलिए अब की बार YouTube शॉर्ट्स में आपको गाने के साथ साथ YouTube म्यूजिक यानी कि आप अगर अपना खुद का कोई नॉन कॉपीराइट म्यूजिक अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो तो आपको मिलेगा ही, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि YouTube के पास बहुत सारे खुद के YouTube म्यूजिक है जिससे हमको उन गानों को उसमें ऐड करने की सहूलियत भी मिल जाएगी। तो अभी अगर आप देखेंगे तो वो TikTok ने पिछले 2 सालों में कम से कम 125% की ग्रोथ देखी थी, जिसमें 842 मिलियन डाउनलोड हुए थे एप्पल और गूगल के प्ले स्टोर से पिछले 1 साल में। अब आप ये देखिए, हर साल ये 15% बढ़ता जा रहा था। YouTube के लिए इससे बेहतरीन मौका नहीं हो सकता था TikTok से जो भी उसने अपना जो भी उसकी एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग थी जो उसने खोई थी उसको वापस लाने के लिए। और अगर आप देखेंगे इसके अलावा तो YouTube अभी जो उसके पास लगभग 2 बिलियन के आसपास एक्टिव यूज़र्स हैं, अगर TikTok को वो हटा सकता है तो शायद हो सकता है कि वो और आगे चला जाए। लेकिन ध्यान ये रखना पड़ेगा कि कहीं YouTube का हाल भी Facebook के लासो की तरह ना हो जाए। जी हाँ दोस्तों, ये देखिएगा, लासो अभी ब्राज़ील में यूज़ किया जा रहा है, Facebook का एक शॉर्टर वर्जन ऑफ वो TikTok है ताकि वो TikTok को कम्पीट कर सके। तो अब आएगा मज़ा, क्योंकि अब Facebook, Google और TikTok तीनों के बीच में अब एक ट्रिपल वर्ल्ड वॉर छिड़ने वाली है। आप अपने कमेंट करके हमें बताइएगा कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा और आप क्या सोचते हैं इस होने वाले महायुद्ध के बारे में।